अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रा की मशक 1.2 देखने वाले हैं, जो तरसीम के ऊपर मबनी है। आपको हमजात मसावातों को तरसीम के ज़रिए हल करना है। तो मशक का पहला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है। आपको मशक के अंदर सवाल दिख रहा है, मैं इसको बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 1, x जमा वाई बराबर 3। और दूसरी मसावात दी गई है x वजा वाई बराबर 4। इन दोनों मसावातों का हल करके आपको x की और y की कीमतें निकालनी है। x की और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो तरीका आपको दिया गया है किताब के अंदर। पहले एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के ज़रिए आपको एक मुतगैर की कीमत दी हुई है, दूसरी मुतगैर की कीमत आपको बआसानी मालूम करनी है। तो बॉक्स कुछ इस तरह से बना गया है, x, y और बाद में x कॉमा y। यानी कि पहले आपको x की वैल्यू दी जाएंगी, बाद में y की, और फिर ये दोनों जो वैल्यू आई है आपको दोनों को कॉमा से जुदा करना है। तो इस तरह से बॉक्स बना गया है। ये बॉक्स जो है तो आपकी किताब के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कीमतें आपको नज़र आ रही, जैसे पहले कॉलम के अंदर आपको x की कीमत दी गई है, यानी कि आपका ये जो पहली रो जो जा रही है, पहली कतार जो जा रही है आपकी, तो ये x के वैल्यू की कतार है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको दी जाएंगी। जो दूसरी कतार है आपकी, यहाँ पर आपको y की वैल्यू दी जाएंगी। और फिर इस तरह से ये x और y की जो कीमत होंगी, तो आपको दोनों को यहाँ पर लिखना है जो कॉमा से जुदा करके। तो देखिए, यहाँ पर सवाल में आपको दिया गया है x की कीमत 3, तो x की कीमत 3 रखकर आपको y की कीमत मालूम करनी है। फिर दूसरी मरतबा आपको y की वैल्यू दी गई है, और लास्ट में आपको y की वैल्यू और x की वैल्यू 0.3 इस तरह से आपको दी गई है। तो आओ इसको किस तरह से हल किया जाएगा, किस तरह से सवाल हल होते हैं देखिए। यानी कि आपको यहाँ पर तो एक बात दिख रही है कि दो मसावातें आपको दी गई है। अब जब आपको दो मसावातें दी गई है तो जाहिर सी बात है इसके दो टेबल बनेंगे। तो पहले हम पहली मसावात का टेबल हल करते हैं, बाद में जो है तो हम दूसरी मसावात का टेबल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये हल होगा। तो आपको इस तरह से तीन टेबल नीचे और बनानी है, पहला, दूसरा, तीसरा। और आपको ये जो पहली मसावात दी गई है x जमा वाई बराबर 3, तो इस मसावात पर से आपको किसी एक मुतगैर की कीमत निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे कि अगर हमने y की कीमत निकाले तो y बराबर ये 3 जैसे वैसे रखिए, और x की कीमत को उधर लेकर चल जाइए तो ये वजा x हो जाएंगी। इसको दे दीजिए आप मसावात नंबर 1, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं पहले कॉलम के अंदर कि आपको x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। तो ये जो मसावात आई है आपकी, ये जो मसावात दिख रही है आपको, तो इसमें आपको x की वैल्यू पहली मरतबा रखनी है x बराबर 3, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर फिर x की कीमत 3, तो y की कीमत आपको बआसानी मालूम हो जाएंगी। यानी y की कीमत आई है आपकी y बराबर ये मसावात की 3, फिर ये मसावात की वजह, और x की जहाँ पर कितने रखने हैं, 3। इसी तरह से आगे के सवाल भी आप हल करेंगे। क्या जवाब बनेगा आपका, y बराबर 3 में से 3 जाते कितना बनता है, 0। यानी पहला कॉलम कंप्लीट है, वो किस तरह से होगा। आपको पहले कॉलम में दी गई थी x की कीमत 3, तो x की कीमत मसावात नंबर 1 में रखे हमने, तो y की कीमत आ गई आपकी 0। तो ये y की कीमत आपको यहाँ लिखनी है 0। आगे बात समझ में। अब नीचे क्या हो रहा है कि x की और y की कीमतों को कॉमे से अलहदा कीजिए। तो आपकी x की कीमत थी 3, y की कीमत आई 0, तो आपका हल बनेगा 3.0। आगे बात समझ में। अब दूसरे कॉलम के अंदर क्या देख रहे हैं आप, कौन सी कीमत दी गई है आपको दूसरे नंबर पर, y की कीमत दी गई है। तो दोबारा आपको मसावात नंबर 1 लिखनी है, y बराबर 3 वजा x, ये आपकी मसावात नंबर 1 है। और इस मसावात में आपको y की कीमत रखनी है y बराबर 5। तो जहाँ पर आपको मसावात नंबर 1 में y दिख रहा, वहाँ पर आपको रखनी है 5। तो 5 बराबर 3 वजा x, वजा x किधर लाइए, जमा x हो जाएगा, और जमा 5 उधर जाएंगे तो वजा 5 हो जाएंगे। इस तरह से x बराबर 3 में से 5 जाएंगे तो वजा 2 बचते हैं। यानी आपको y की कीमत जो 5 दी हुई थी, इसको हमने मसावात में रखे,
तो एक्स कीमत आ गई आपकी वजह दो, हल क्या बनेगा इसका, वजह दो पाँच है तो वजह दो कौमा पाँच। ये जो नीचे की नुकात दिख रहे हैं आपको, ये नुकात आपको तरसीम पर बनानी है, ठीक है। ये अभी पहली मसावात की हल शुरू है हमारे। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वाई की कीमत दी हुई है आपको तीन और नीचे के बॉक्स में दिख रहा जीरो कौमा तीन, तो पहला नुकता जो होता है एक्स मुद्दत होता है, तो एक्स मुद्दत की कीमत कितनी दी हुई है यहाँ पर सिफर, सिफर तीन, सिफर कौमा तीन। आगे बात समझ में, यानी तीसरा टेबल हमको हल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हल करके बताया जाए, देखिए इधर मसावात नंबर एक लिख दी हमने वाई बराबर तीन वजह एक्स, यहाँ पर आपको वाई की कीमत तीन सिफर दी गई थी, तो यहाँ पर मैंने वाई की कीमत कितनी रख दिया वाई बराबर तीन, तो तीन बराबर तीन वजह एक्स, वजह एक्स को इधर लाइए तो जमा एक्स हो जाएगा और जमा तीन उधर जाएंगे तो वजह तीन हो जाएंगे। इस तरह से एक्स बराबर सिफर, एक्स की वैल्यू सिफर आ गई, इस तरह से नुकता बन जाएगा सिफर कौमा तीन। तो ये बन गई आपकी मसावात एक की जो है, तो हमने जो तरसीम बनानी है हमको उसके मुअद्दिदीन हमने अखज़ कर लिए। अब ये नुकात को लेकर आपको तरसीम बनानी है, जिस तरह से हमने आपको समझाए थे कि भाई पहले रुपये के अंदर क्या होता है, दूसरे रुपये के अंदर, तीसरे रुपये के अंदर और चौथे रुपये के अंदर, तो ये आपको बनानी है। अब जो दूसरी मसावात दी गई थी आपको, ये वाली मसावात, उसी को भी इसी तरह से हल करना है, ठीक है। तो हम देखते आएंगे किस तरह से हल होगा। दूसरी मसावात आपको एक्स वजह वाई बराबर चार दी गई है और इस मसावात के कुछ हल यहाँ पर हल करके बताए हैं, तो हमने ये पूरा टेबल यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर से किस तरह से दूसरी कीमतें निकालेंगे आप। आपको मसावात नंबर दो एक्स वजह वाई बराबर चार दी गई, ये आपने लिख ली है। अब यहाँ से आपको वाई की कीमत निकालनी है, ये जो आपको वाई दिख रहा है वाई की कीमत निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे, वजह वाई उधर जाएगा तो जमा वाई हो जाएगा और जमा चार इधर आएंगे तो वजह चार हो जाएंगे, यानी आपकी y की वैल्यू बन गई y बराबर x वजह चार। इसको इस तरह से लिखिए y बराबर x वजह चार, ये आपकी मसावात नंबर एक है। अब इस मसावात नंबर एक के अंदर आपको जो जो कीमतें यहाँ पर दी गई है वो कीमतें रखनी है, यानी कि आप पहले कॉलम के अंदर देख रहे, पहले कॉलम के अंदर आपको y की कीमत दी गई है सिफर, तो मसावात नंबर एक में आपको y जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर सिफर रखना है, y बराबर आपको रखना है सिफर, तो यहाँ पर सिफर बराबर एक्स वजह चार, ठीक है। ये वाई की कीमत जहाँ पर वाई था वहाँ आपने क्या रख दिए सिफर, तो आपकी मसावात बनी सिफर बराबर एक्स वजह चार। अब ये वजह चार इधर आएंगे तो जमा चार हो जाएंगी और आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी एक्स बराबर चार, तो ये चार आपकी वैल्यू आई एक्स की, यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू चार लिख दिए। अब नुकता क्या बनेगा है, चार और सिफर आ गए, नुकता बनेगा चार कौमा सिफर। अब दूसरी कॉलम के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपको x की कीमत दी गई है वजह एक और इस x की वजह एक की कीमत की मदद से आपको y की कीमत निकालना है, तो आपको दोबारा मसावात नंबर एक लिखनी है। मसावात नंबर एक आपकी है y बराबर x वजह चार, ये आपकी मसावात नंबर एक है। अब इस मसावात नंबर एक के अंदर आपको x की कीमत क्या रखनी है वजह एक, तो x बराबर वजह एक रख दीजिए, जहाँ पर आपको x दिख रहा है यहाँ पर मसावात नंबर एक में वहाँ पर आपको रखना है वजह एक, तो y की कीमत y बराबर वजह एक वजह चार, तो y बराबर वजह एक वजह चार होंगे वजह पाँच, यानी आपकी y की वैल्यू आ गई वजह पाँच, नुकता बनेगा वजह एक कौमा वजह पाँच, ठीक है, वजह एक कौमा वजह पाँच, ये नुकता बन गया। अब इस तरह से तमाम कीमतें हम आपने मालूम कर लिए। अब इन नुकात की आपको बनानी है तरसीम, तो आगे हम इसकी तरसीम बनाएंगे और इसका हल क्या होगा। ये तो आपने पूरी एक्स के और वाई की तमाम कीमतें निकाल ली, इसका हल क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी हमजाद मसावातें है और हमजाद मसावातों के जब आप तरसीम बनाएंगे तो आपको खत हासिल होंगे, सीधे सीधे खत आपको हासिल होंगे, तीन तीन नुकात पर मबनी ये खत आपके रहेंगे। तो ये दोनों नुकात जहाँ पर एक दूसरे को किता करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक खत इस तरह से बनाया सीधा और दूसरा खत आपका इस तरह से गया, तो बीच में एक नुक्ता जो आएगा जहाँ पर ये दोनों खतूत एक दूसरे को किता करेंगे, उस नुक्ते को आप कहते हैं नुक्ते तकाते, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर ये दोनों खतूत एक दूसरे को किता करे, इन दोनों हमजाद मसावातों का वो हल होगा।